जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात हो रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल वर्सटाइल मनीष में। ये आप सोच रहे होंगे कि ये बंदा वीडियो चालू करने के पहले गाना क्यों गा रहा। गाना गाने का पूरे वीडियो के साथ कनेक्शन है, अगर आप देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं वीडियो चालू करूँगा, आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में मैंने आज जो डिस्कशन सोचा है या फिर आज जो बात सोची है वो ये है कि आपको अगर पता नहीं है कि विश्व में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर सूर्यास्त होता ही नहीं है, ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम्स होते हैं जिनमें उनमें सूर्यास्त नहीं होता, 24 घंटे आपको सनलाइट दिखेगा। तो आप बोलोगे ये क्या? अबे भैया, आप सुबह उठते हो रात को सोते हो, ये एक टाइम होता है। हमारी जो बॉडी है उस चीज़ को समझती है और उसी हिसाब से वो वर्क करती है। सुबह उठते हैं, काम करते हैं, रात होते होते हमें थकान आ जाती है, हम सो जाते हैं। आज मैं उन कंट्री के कुछ एक ऐसे प्लेसेस के नाम में बताऊंगा जहां पर सूर्यास्त होती नहीं है, दिन भर आपको एनर्जी मिलेगी, 24 घंटे सूर्योदय रहता है। जी हाँ, ये पॉसिबल है। विश्व के कुछ एक क्षेत्र में ऐसी घटना घटती है हर साल। तो हम जनरली सोचेंगे भैया अगर रात ही नहीं होती तो हम सोएंगे कैसे, हम उठेंगे कैसे, हमारी दिनचर्या कैसे कंप्लीट होगी, हम खाना पीना सब टाइम सेट कैसे होगा। और सबसे बात बड़ी बात सोचिए, ये तो आज हमारे पास घड़ी है, मोबाइल है, हमें समय का पता चलता है। पहले के लोग किस तरीके से इस चीज़ को माने समझते थे, क्योंकि ये आज तो नई घटना तो है नहीं कि जो घटित हो रही है, तो पुराने कई समय से चला आ रहा होगा। तो दोस्तों मैं उन सब जगहों का नाम बताता हूँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग प्लेस है, प्लेसेस टू विजिट है, और इन सब जगहों का नाम सुनेंगे आप गूगल में सर्च कीजिएगा, यू विल फाइंड दीज प्लेसेस आर अमेजिंग टू विजिट। एंड इनके कुछ एक टाइम्स होते हैं जब आप जाओ घूमो, अगर आप अफोर्ड कर सको तो ज़रूर जाइए। तो पहला जो जगह है वह नॉर्वे है। नॉर्वे लैंड ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है, जहाँ लगभग 76 दिन तक मिडवे जुलाई तक माने मई से लेकर जुलाई तक यहाँ पर सूर्यास्त होता ही नहीं है। तो दूसरी जगह है नोनावेट करके, जो कि कनाडा में है। यहाँ की आबादी सिर्फ 3000 लोगों की है, 3000 लोग इस जगह पे रहते हैं, और ये जगह आर्कटिक सर्कल से 2 डिग्री ऊपर है। यहाँ पर 2 महीने फुल सनलाइट रहता है, फुल सनलाइट। यहाँ पर लोग सोच भी नहीं सकते कि रात होती है उस पर्टिकुलर समय, नवंबर जब आती है, अक्टूबर नवंबर जब शीत ऋतु आती है, तो यहाँ इतना बर्फ गिरता है। यहाँ पर तो ग्लेशियर्स भी हैं, तो लोग माने बाहर ही नहीं निकल पाते, और उस समय सनलाइट होती ही नहीं है, महीने भर एकदम सनलाइट नहीं, पूरा का पूरा रात रहता है। तो लोग कैसे रहते होंगे, कैसे माने हार्ड लाइफ है, किस तरीके से लोग जीते होंगे, पर देखने लायक है, ज़रूर विजिट कीजिए अगर आपको ऐसा मौका मिले तो ज़रूर जाइए। अब जो कंट्री आती है वो आइसलैंड। आइसलैंड नो मॉस्किटो कंट्री के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर मॉस्किटो है ही नहीं, एकदम जीरो मॉस्किटो। यहाँ पर डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया टाइप की कोई बीमारी है ही नहीं, या मच्छरों से होने वाली कोई बीमारी नहीं है। यहाँ भी जून के आजू बाजू के महीने में लगभग 24 घंटा सूर्य की किरण बरसती रहती है। अब चौथी जगह है बैरो अलास्का। यहाँ पर भी लगभग मई से लेकर जुलाई तक सूर्यास्त नहीं होता, सूर्योदय ही रहता है, और नवंबर आते आते चंदा मामा को गुस्सा आ जाता है, बोलते भैया तुमने बहुत किया उस समय, अब मेरी बारी, और पूरे महीने भर रात, जैसे कि आपको पहले कनाडा के बारे में बताया, वैसे ही यहाँ पर फुल ठंडी शीत चिली मौसम रहता है, और सूर्योदय का तो नाम ही नहीं रहता, वो चला जाता है डर के मारे। तो अगली कंट्री है फिनलैंड, लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ लगभग 73 डेज तक लगातार सनराइज रहता है और सनसेट होते नहीं है, और जब सनसेट नहीं होता तो यहाँ का सबसे फेमस है नॉर्दर्न लाइट्स। नॉर्दर्न लाइट्स क्या है, इसके बारे में अगर आपको चाहिए तो मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और फिनलैंड के बारे में एक और चीज़ है कि यहाँ पर लोग है ना समर में सोते ही नहीं, और बहुत कम सोते हैं, और विंटर में खूब सोते हैं या बहुत कम जागते हैं। और छठी कंट्री है स्वीडन। यहाँ पर एक अजीबोगरीब मजा रहता है। यहाँ पर सनलाइट दिन भर रहता है, और मिडनाइट को थोड़े टाइम के लिए सनसेट होता है, और सुबह 4 बजे वापस सनराइज हो जाता है।
तो ये जो जानकारी है मैंने जुटाई आपके लिए। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों तक जानकारी शेयर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सबा के।